एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी एंड इट इज गिवन दैट एडी इज इक्वल टू बीसी एंड एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल एबीसी इट इज गिवन इन टू ट्राइंगल्स एबीडी एंड ट्राइंगल BAC, AD equal to BC given, angle DAB equal to angle CBA is also given. And you are seeing that AB equal to AB. It means AB जो है triangle ABD में भी है और triangle ABC में भी है, इसको हम कहेंगे common side. तो ये तीन part equal हो गए दोनों triangles के, तो therefore triangle ABD congruent triangle BAC. तो ये congruency कौन सी हो गई? पहले तो देखिए साइड इक्वल है, फिर एक एक एंगल इक्वल है, और उसके बाद फिर साइड इक्वल है। तो ये हो गया एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है ये। उसके बाद हमको प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ये जो बी डी और ए सी है, ये इन दोनों ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। डायग्राम में भी देख सकते हैं, यह है बी डी और यह है ए सी, दोनों इन दोनों को ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो इसी के ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। उसके बाद एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी प्रूव करना है आपको। एंगल ए बी डी ये भी एंगल ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है, और उसके बाद है एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला, ये ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है, और एंगल ए बी डी, ए बी डी ये है ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट। तो दोनों ट्राइंगल को भी इक्वल है, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, रीजन बाई सी बी सी टी। क्वेश्चन नंबर 3। AD इक्वल टू BC ऐसा गिवन है, और एंगल A 90 का है, BB 90 का, ये भी गिवन है। प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD लाइन है AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AB के बाइसेक्ट करना, टू इक्वल पार्ट होंगे, AO इक्वल टू OB, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल, अब ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों पढ़ते हैं ट्राइंगल ओ ए डी में और ओ बी सी में, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ओ ए और ओ बी भी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए डी और ओ बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले है एंगल ए इक्वल टू बी, दोनों 90-90 के हो गए गिवन। ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। उसके बाद एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, यह एंगल ए ओ डी, यह एंगल बी ओ सी, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बिकॉज व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दो एंगल हो गए और एक साइड होगी, एंगल दोनों लगातार हैं और ये साइड अलग से है, तो ये हो गया ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी सी, ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमको प्रूव करना था ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ये ओ ए और ओ बी इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो लिख देंगे हम बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। लाइन एल इज पैरेलल टू एम ऐसा गिवन है, और लाइन पी और क्यू भी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एल और एम को ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव करना है नीचे जो ट्राइंगल ए बी सी बनी है और ऊपर जो ट्राइंगल है सी डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये हमको प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए में क्या क्या इक्वल है? तो क्योंकि ये लाइन एल और एम पैरेलल हैं और बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
एंगल वन पड़ता है ट्राइंगल एबीसी में, तो यहाँ पर एंगल वन लिखेंगे, और एंगल टू पड़ता है दूसरी ट्राइंगल सी डी ए में, यहाँ हम एंगल टू लिखेंगे। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद जो है लाइन पी और क्यू भी पैरेलल है इस प्रकार से, दोनों लाइन पैरेलल हैं और बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे थ्री और फोर। पहले हम यहाँ लिखेंगे थ्री, फिर यहाँ फोर, पहले इस ट्राइंगल ए बी सी में लिखेंगे, फिर ट्राइंगल सी डी ए में। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये जो बीच में लाइन ए सी है दोनों ट्राइंगल में है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ए एस ए क्यों लिखा इसमें हमने, क्योंकि ये जो दो एंगल हम देख रहे हैं एंगल थ्री और एंगल वन, उसके बीच में ये हमने साइड ली थी ए सी, तो इसलिए क्योंकि साइड दोनों एंगलों के बीच में है तो यहाँ आएगा ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रो। और यहाँ हमने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सी डी ए, अगर हमने यहाँ ए सी डी लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पहले हमने लिखा एंगल वन इज इक्वल टू टू, वन बना है पॉइंट सी पर और टू बना है पॉइंट ए पर, तो सी इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसमें भी सी थर्ड पोजीशन पर है तो ए भी थर्ड पोजीशन पर रहेगा। उसके बाद है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री बना है ए पर, फोर बना है सी पर, तो ए की पोजीशन फर्स्ट प्लेस पर है तो सी की पोजीशन ये भी फर्स्ट प्लेस पर रहेगी। उसके बाद ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी ए और सी की पोजीशन देखिए फर्स्ट थर्ड, और दूसरी तरफ सी डी ए में भी इसकी पोजीशन देखिए फर्स्ट और थर्ड सी ए। तो इस प्रकार से हमको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, रीजन ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। थैंक यू।